हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, मतलब कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई और किसने सबसे पहले प्रयास किया और इसकी जो एक परंपरा चली, कौन कौन से कवि किस किस ग्रंथ की रचना किए, उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रयास किया था गारसा दत्तासी ने, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की शुरुआत किसने करी थी, तो फिर वहाँ आंसर आएगा गारसा दत्तासी। तो ये गारसा दत्तासी जो हैं, ये एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान थे, और इनके जो ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी, और इसकी जो भाषा थी ये फ्रेंच थी, क्योंकि ये फ्रांसीसी थे तो इन्होंने इस ग्रंथ की भाषा फ्रेंच रखी। और इसके जो इस ग्रंथ के भाग जो थे, दो भाग थे, दो भागों में ये था, दो भागों का प्रकाशन जो है वो 1839 ईस्वी है और जो दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी है। तो ये जो दूसरा भाग है उसके तीन भाग हुए और तीनों भागों का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि तीसरे भाग का प्रकाशन किस सन में हुआ था, तो 1871 ईस्वी में हुआ था। और जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये इसका अनुवाद भी हुआ था, लक्ष्मी सागर वासड़े थे। ये 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। इसको हम अगर ये इसका भी अनुवाद हुआ था और ग्रियर्सन के साहित्य ग्रंथ का भी अनुवाद हुआ था, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका किसने किया था। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक समझ लेते हैं, ताल मतलब ताल से तासी कर लेते हैं और ला से लक्ष्मी सागर वासड़े, मतलब तासी के ग्रंथ का जो अनुवाद किया था वो लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया था। और इसमें जो कुल कवि कितने थे, इस्तवार द लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है उसमें इन्होंने कुल 738 कवि रखा था और हिंदी के 72 कवि थे, बाकी जो थे शेष उर्दू के थे। और जो इनके कवियों का विवरण है वो अंग्रेजी के वर्णानुक्रम के आधार पर था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन्होंने जो कवियों का क्रम रखा वो किस आधार पर रखा, तो वर्णानुक्रम के आधार पर रखा था। और फिर आता है दूसरे जो विद्वान थे वो शिव सिंह सेंगर थे। इनके ग्रंथ का जो नाम था वो शिव सिंह सरोज था, इनके नाम पर ही है शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने जो कवियों की संख्या है वो 838 रखी। तो इन्होंने कवियों का जो ये किया, कितने कवि थे अगर पूछता है तो 838 कवि थे। इसके बाद है ग्रियर्सन एक, ये इनके जो ग्रंथ का नाम है वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इनके ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो 1888 ईस्वी में हुआ। इसकी जो भाषा थी, जैसा कि इसकी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है अंग्रेजी है, तो ये इसकी जो भाषा थी अंग्रेजी थी। और इसे ही इसके संदर्भ में एक कथन भी पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है, ऐसा अगर पूछता है तो वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये माना जाता है। और इन्होंने कवियों की जो संख्या है वो 952 रखी है, 952 याद रखना, ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इन्होंने कवियों की संख्या कितनी रखी है, तो 952। और इसका अनुवाद हुआ था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और इसको किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में। इसको भी हम अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो ग्रीक कर लेते हैं, ग्रीक मतलब ग्रीक से कर लेते हैं ग्रियर्सन और का से कर लेते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, मतलब यहाँ ताल है, ताल से तासी के ग्रंथ का जो अनुवाद है लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया, यहाँ ग्रीक है और यहाँ का आ रहा है तो का से किशोरी लाल गुप्त ने किया, किशोरी लाल गोस्वामी दूसरे हैं लेकिन गोस्वामी नहीं करना है यहाँ, किशोरी लाल गुप्त करना है।
और इन्होंने ग्रियसन ने 16वीं 17वीं शताब्दी का जो युग है वो भक्ति काल का था, और 16वीं शताब्दी के युग को इन्होंने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। इसके आगे हमारा है, इसके आगे मिश्रबंधु आते हैं। मिश्रबंधु में तीन लोग आते हैं, ये तीन भाई थे, इन्हीं को मिश्रबंधु के नाम से जाना जाता है, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश बिहारी श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी। और इनके ग्रंथ का नाम है मिश्रबंधु विनोद जो है वो चार भागों में है, और ये चार भाग है लेकिन तीन भाग का जो प्रकाशन है 1913 ईस्वी में हुआ था, लेकिन चौथा भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से समझे तो तीसरा, यहाँ तीन है, यहाँ भी देख रहे हैं कि तीन है, मतलब तीन भाग, एक दो तीन, तीनों भाग जो है तीन यहाँ आया है, तो 1913 में होगा, और चौथा भाग, चौथा में भी ये चार ही है, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि चार है, तो 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ। और कवियों की संख्या 4591 थी, इन्हें इसमें सबसे ज़्यादा कवि थे, और इसको इसमें 4591 मतलब 4591 कवि हैं। इसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो TGT PGT नेट JRF के लिए इनका इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, और इन्होंने जो कवियों की संख्या रखी वो लगभग 1000 है, 1000 कवि इनके साहित्य ग्रंथ में हैं। इसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लेता है एडविन ग्रीव्स का जो ग्रंथ है वो ए स्केच ऑफ हिंदी है, और इसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद एक और है एफ ई के का ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे स्केच और ग्रीव्स थोड़ा सा मिलते जुलते शब्द लग रहे हैं, स्केच ग्रीव्स मतलब हम ग्रीव जैसे गोज गाज के बोलते हैं, गोज गाज के स्केच बनाते हैं, और यहाँ ई आया है तो हिस्ट्री में देख रहे हैं ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई, तो FEK का जो ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है, इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। और इसके बाद आते हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, इनके भी ग्रंथ पूछे जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में। और इसके बाद फिर है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मतलब किसी चीज़ को हम लिखने सबसे पहले भूमिका बनाते हैं, इसके बाद उसका उद्भव विकास होता है, फिर जाके आदिकाल उसका, फिर आदि शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ है पहला, भूमिका हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद आते हैं राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये 1938 में है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक अपना यहीं पर विराम देते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आप लोगों की इसी तरह मदद कर सकूँ। धन्यवाद।